जो मीटिंग पहुंच चुका है मैच रेफरी नेपाल ध्रुव जी और पहाड़ सिंह ध्रुव जी इस मैच के निर्णायक होंगे। पहाड़ सिंह ध्रुव और छन्नू दीवान जाएंगे और थोड़ा सा परिवर्तन यहां पर समय पर वही रहेंगे संतोष यादव। तीसरा चौथा के लिए हम लोग क्या करेंगे इसके लिए थोड़ा सा दो मिनट डिस्कस करेंगे, उसके बाद खिलाना होगा तो खिलाएंगे, नहीं तो तीसरा चौथा जो नियम चलता है कबड्डी में उसके हिसाब से करेंगे। रुआ वर्सेस मालिनी की रेगा रेत डालते हुए यहाँ पर दबक रेगा और यहाँ पर टच टाइम का दावा किया है। सभी की फिंगर बोनस दो अंकों के साथ मालिनी ने खाता खोला। यहाँ पर सेमीफाइनल का बहुत बड़ा मुकाबला, इसके बाद सबसे बड़ा मुकाबला महा मुकाबला होना है। खैर जीते के खिलाफ जो भी टीम जीतेगी वो खैर जीते के खिलाफ महा मुकाबला खेलेंगे। बिना कोई अंक लिए पहले वापस एक बार पुनः वही रेगा मालिनी की तरफ से, जबकि मलेवान के रुआर देखते हैं बहुत अच्छी टीम से है और इस बार पुनः एक बार उपहार में एक अंक देते हुए सेमीफाइनल का मुकाबला सेमीफाइनल जैसे खेलो पूरे जोश खरोश के साथ खेलो यार। इतना आराम से खेलने की जरूरत नहीं है, पूरा एकदम जोश की स्फूर्ति हत्या करके साथ ही बार जहां तक थी पकड़ एंकल होल्ड कहते हैं कॉर्नर के द्वारा जबरदस्त एंकल होल्ड और यहां पर पूरा सपोर्ट ब्लॉकर के द्वारा आया मालिनी की तरफ से। मालिनी लगातार अंक लेते हुए जबकि रुआर मलेवान से रुआर ने अभी तक खाता नहीं खोला, खाता खोलना पड़ेगा, पकड़ो इसको जैसे भी पकड़ो यार, लेकिन पकड़ नहीं पाए। आवाज मेरी जरूर सुनी जहां पर एक अंक अर्जित किया पुनः एक बार मालिनी के टीम में पांच अंकों के साथ बढ़त बनाए हुए हैं और इस बार रेडियो कुछ करना होगा रुमार को रुमार के रेडर देखते ही कर पाए क्या हुआ रेडर आउट करा दिया गया यहां पर रेडर निश्चित रूप से लाइन से बाहर हो गए शायद और रेडर आउट। यहां पर काफी हालत खस्ता होता हुआ मलेवान चल रुमार का छह पॉइंट के साथ काफी अच्छी और ये आ रहा पार्टी साफ कर दिया दस पॉइंट हो गया कर जीरो और अभी तक रुवार का खाता नहीं खुला है। देखते हैं कैसे वापस करते हैं यहाँ पर रुवार के हमारे खिलाड़ी के द्वारा काफी आक्रामक खेल यहाँ पर मालिनी के द्वारा खेलता हुआ जबकि रुवार कुछ नहीं कर पा रही है। सेमीफाइनल का सफर बहुत ही इतना आसान नहीं होता और यहाँ पर देखते हैं निश्चित रूप से संभाल कर खेलेंगे रुआ के खिलाड़ी, इसको पकड़ना होगा अच्छे रेडर हैं अंक निकालने में काफी सफल होते हैं ये रेडर मालिनी की तरफ से बहुत बढ़िया रेट और बैरंग वापस बोनस प्रयास किया बोनस मिल गया ग्यारह अंक लगातार अंक लेते हुए मालिनी के रेडर जबकि मलेवान के रुआ के खिलाड़ी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इस बार रेड ने कम से कम एक दो पॉइंट ले जाइए बहुत अच्छा रेट उनका प्रयास लेकिन पुनः कोई अंक नहीं अच्छी यहां पर अंक लेने का प्रयास कितना
लेकिन पुनः सुरक्षित कोई अंक नहीं। अभी भी पहले हाफ का लगभग आधा टाइम हो चुका है, 4 मिनट 3 मिनट शेष है। 3 मिनट तक अभी आपने 4 मिनट में अभी खाता नहीं खोला है। मलेवांचल मालेडी के खिलाफ एक तरफा मैच जाता हुआ, पकड़ना होगा या तो रेड में लाना होगा। यहाँ पर क्या हुआ हमें दिखाई नहीं दिया ज्यादा, लेकिन रेडर आउट हुआ ऐसा मुझे लगता है। और रेडर आउट तो खाता खुलता हुआ मलेवांचल का अब तहलका मचाएगा। मलेवांचल निश्चित रूप से मिडिल लाइन को पार कर चुका है और डिफेंडर आउट। इस तरह से खाता खोलते हुए 2 अंक लेते हुए मलेवांचल अब जागा है, जागे हैं अब मलेवांचल। मैच बहुत रोमांचक होगा। हालांकि बड़े भले 11 पॉइंट के बाद मलेवांचल को पॉइंट मिला, लेकिन फिर भी मैच अभी बाकी है, काफी बाकी है मैच। देखते हैं क्या होता है, क्या क्या नाम रेडर फिर 1 पॉइंट और मालिकी को मलेवान करके खिलाड़ी जाने वाले रेडर अंक लेने का प्रयास। बहुत अच्छा रेस लिफ्ट का आकर तो दबाते हुए देखते हैं इस बार क्या कर पाते हैं मलेवान करके खिलाड़ी। लंबे करके खिलाड़ी क्या देखते हैं क्या होता है, उसको कमी लगे क्या पकड़ एंकल होल्ड करते हैं जिसको प्रोकोबैटिक की भाषा में। मालिनी के जाने माने रहेगा लंबे का खेलेगा, देखते हैं उसका क्या कर पाते हैं। और क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, कोई पॉइंट नहीं। 1 मिनट से हाफ टाइम है, हाफ टाइम का 6 मिनट समाप्त हो चुका है। 12 गोल यानी कि 10 पॉइंट की लीग यहाँ पर, 10 पॉइंट की लीग है। और मलेवांचल देखते हैं ज्यादा अच्छा खेल का प्रदर्शन नहीं कर पाया। मालेडी ने अपना अच्छा प्रदर्शन किया है, उसके बाद क्या प्रदर्शन आप कितने पॉइंट, 1, 2, 3, 2 पॉइंट लेने में कामयाब। इस तरह बढ़ता हुआ उसका जो अंक है 4, 8 अंकों से पिछड़ते हुए। अभी भी हाफ टाइम में लगभग 1-2 रेड बाकी है। देखते हैं इस बार मालदीव के जाने आने रहेगा अंक लेने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, बहुत सा प्रयास। बैरान वापस कोई अंक नहीं और हाफ टाइम की घोषणा हो चुकी। हाफ टाइम तक मालदीव 8 अंकों की बढ़त बनाकर यहाँ पर अग्रसर कर रहे हैं। अभी हाफ टाइम बाकी है, कुछ भी हो सकता है, कबड्डी है, हाफ टाइम बिल्कुल इस टीम में जितने के लिए मिलता है बिल्कुल चटका बनाकर खेल रहे हैं। देखिए यहाँ पर बैठ कर और निश्चित सुंदर पकड़ना फिर पकड़ने में कामयाब डिफेंडर और फिर रेडर को बाहर जाना पड़ेगा। अब मालेडी की ओर से रेडर हसन रेडर आए हैं और खिलाड़ी ने जबरदस्त फेंकाई, सुपर टेकल तो नहीं, वो मैं अलग टाइप के सुपर टेकल को सुपर मतलब अच्छा अच्छा टेकल, ये वाला सुपर सुपर टेकल हम नहीं है। अगर गुलामी बोलवा जी की गुमरा गाई उसमें होता है सुपर टेकल। इस बार पॉइंट का इजाफा हो रहा है मलेवा रुमार को 6-14। फिर भी जहां खुशी से चल रहे हैं अभी ये भाषण ये जब तक के रहेंगे तब तक के मानी जी का कबर अलग टूटता हुआ निश्चित ही 7 अंकों से आगे है। अब यहाँ से कुछ होगा या नहीं होगा यहाँ पर मलेवांचल जहाँ पर उठ निकल है उस क्षेत्र में और देखते हैं
अब हम क्या करते हैं, अगली बदली करना चाहते हैं। पलटू छत्तीसगढ़ में उसको पलटू पलटू वाला भाषा में वो जन्मे बने जानते महिला वाला महिला को क्या अब यहाँ पर बिल्कुल अदली बदली हो रहा है। लेकिन दौड़ी दौड़ लेकिन अंदर है, एक डिफेंडर को फिर बैठना पड़ेगा कोर्ट पर। अब यहाँ से चार ही से आगे चल रही है। अब मालिनी चौदह आठ अभी अच्छा है। जोड़ घटाना में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी। अब मालिनी को बिल्कुल भारी नहीं करना कहा है कि उस प्रश्न वर्तमान के उन्होंने कहा था मालिनी अब भारी नहीं। अब यहाँ पे बिल्कुल देख रहे हैं, अब देखते हैं ये अगर दोनों को अगर एक साथ लाते हैं तो निश्चित चार अंकों का व्यापक हो जाएगा और फिर वही मालिनी के साथ वो बनाए रखेंगे। लेकिन सुनने बहुत ही जबरदस्त रेडर कहूंगा, प्रयास किया भरपूर प्रयास किया, फिर भी असफल रहे। मेरी लाइन नजदीक जरूर पहुंचे थे फिर भी असफल नहीं रहा है। अब मालिनी हाथ में बिल्कुल टाइम थोड़ी सी बिताना चाहते हैं। तीन मिनट हो चुका है तो कुछ इशारा रहे हैं। तीन मिनट बाकी है, अब ये लंबे कच्चे रेडर फिर कोर्ट पर आ गए हैं रेड डालने के लिए। अब देखते हैं रोहन की ओर से, अब देखते हैं मलेवा बड़े लंबे पहाड़ को है लेकिन यहाँ पर अपना जो कार्यभार है थोड़ा से आगे की चक्कर अभी चलने से बिल्कुल अंक देते हुए अपने आप को नहीं बचाता है और एक अंक आसानी के साथ मालिनी को मिलता हुआ। इसी साहु की ऐसा ही होता है। यहाँ पर सुंदर तक करने के प्रयास में है, यहाँ पर देखते हैं इस बार देख रहे हैं बिल्कुल नजदीकी मामला है और हजार दे दिए हैं। डिफेंडर बाहर रेडर से अब 16 गज स्कोर जो अभी है 16 गज घर कर ले गए और बोनस अंक के साथ ताकत बढ़ गया है। यहाँ पर मालिक होता रेडर के पास टिकने नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर युवा के और बोनस अंक बना जाती है। एक बार वही रेडर सुन जाएंगे एक ही का ही बचा है। मांडी को हराना इतना आसान नहीं है, जीतने के लिए आपको 9 चाहिए जीतने के लिए। एक नंबर यार करते हुए थोड़ी सी गड़बड़ी की है हर मेडिंग में यहाँ पर
रुआ में अगर इन ट्रेनर को पकड़ने के कुछ राहत के साथ कुछ खेल गए, लेकिन लेकिन मैच तो वैसा ही वो जीत हुई है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर अंक जो फासला है वो काफी बहुत 12-20 मतलब 8 अंक से आगे चल रही है मालवीय। अब तीसरे दर को बिल्कुल इस प्रकार से नहीं खेलना चाहिए, प्रयास करें इसके बाद प्रतिदिन इधर उधर ना जाने, यार बड़े खिलाड़ी हो बड़ा मैच है। और शिवा लंबे इसी बचता हुआ निश्चित हुआ